हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर नेक्स्ट लेक्चर ऑन इक्विलिब्रियम हमने बात किया लास्ट लेक्चर में रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलीब्रियम कांस्टेंट के कोशेंट क्यू एंड गिब्स फ्री एनर्जी जी चलिए देखते हैं कि हमें इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या समराइज किया था हमने इसको समराइज़ किया था कि अगर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू मोर देन टेन की पावर थ्री हो और क्यू की वैल्यू केसी से कम हो जाए तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है के की वैल्यू मोर देन वन होगा एंड इफ द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एनर्जी पॉजिटिव में आएगी क्वेश्चन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम ज्यादा होगी एंड द रिएक्शन विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड एंड इफ इट इज द इक्विलिब्रियम तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी के की वैल्यू वन हो जाएगी जरा देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कर पाते हैं कि नहीं तो लेट इस वन ऑफ द प्रॉब्लम इन बुक दैट इज सेवन पॉइंट वन जीरो द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वलिब्रियम अंडर दंडीशन जी नॉट गिवन है आपको द वैल्यू ऑफ जी नॉट फॉर दॉराइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकॉलिस इज थर्टीन पॉइंट एट किलो जूल पर मोल हमें मालूम है कि ये क्या एनर्जी गिवन है आपको गिब्स फ्री एनर्जी एनर्जी है यूनिट आपकी किलो जूल परमूल या जूल पर मोल आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सी आर टू नाइंटी एट कैल्बिन वी आर गोइंग टू यूज द वैंड ऑफ रिएक्शन इक्वेशन वैट ऑफ इक्वेसन यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के वो हिअर लेट एस सी हाउ सो हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर सेवन पॉइंट वन जीरो हमें वैल्यू गिवन है डेल्टा जी नॉर्थ की थर्टीन पॉइंट एट किलो जूल परमूल वी आर We have to find out the value of Kc at the temperature 298 Kelvin. And they say that this is the phosphorylation of glucose in glycolysis. So, delta G, ka relationship Kc or T ka kya hai? We know delta G naught is equal to minus 2.303 RT log to the base 10 of Kc. सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट के सी इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे है के सी सिर्फ हम इक्विलिब्रियम पे चेक करते हैं अंडरस्टूड है सो इट मीन डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी जीरो सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू यूज सॉरी वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथम देखिए क्या होगा डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है हमें थर्टीन पॉइंट एट किलो जूल माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी यानी जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री वन फोर इन टू टू नाइनटी एट कैलविन लॉग टू देश टेन ऑफ के सी बोलिए ठीक अच्छा यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है मैंने जानवी के आपको लिखा है कि रेंडरिंग में हम लिखते हैं जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री वन बट ध्यान रखो ये वैल्यू आर की इज यूज फॉर प्रेशर याद है हम क्या यूनिट लिखते थे इसकी बार लीटर पर मोल पर कैल्विन लेकिन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एनर्जी एनर्जी के लिए वी यूज 8.314 जूल पर मोल पर कैलविन वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ बार पर लीटर एनर्जी के यूनिट में वो 8.314। अगर ये कैलोरीज में हो रहा होता तो हम सीधा इसकी वैल्यू टू कैलोरीज लिख देते ठीक सो so इसका मतलब आर की वैल्यू में हमें चेंज रखना है सो अस राइट डाउन थर्टीन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई

माइनस फाइव पॉइंट फाइव सिक्स नाइन अब क्या करना है केसी की के वैल्यू निकालनी है इसका एंटी लॉग देखिएगाटीलॉग ऑफ माइनस फाइव पॉइंट फाइव सिक्स नाइन दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ केसी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर सेवन पॉइंट वन वन इट सेट हाइड्रोलिस ऑफ सुक्रोज गिव्स अस यानी कि आपको इक्वेशन गिवन है सुक्रोज की वाटर के साथ यानी हाइड्रोलिसिस हो रहा है अंडर इक्वेबियम इट्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये आपको इक्वेशन गिवन है ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन टू यू टू इन टू टेन टू द पावर थर्टीन एट थ्री हंड्रेड कैलवीन नाउ लेटेस्ट जस्ट स्कीप कटेगा कोई रिकैप की हमारी केसी की वैल्यू मोर देन वन है पहली चीज यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए करेक्ट क्यू सी की वैल्यू जो है वो आपको नहीं पता हम यहाँ क्यू सी की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहे बट अगर हम अपने कंसेप्चुअली देखें तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो इसका मतलब क्यू सी की वैल्यू के सी से कम होगी बट क्यू सी हम कैलकुलेट करते हैं कि गिवन कंडीशन के ऊपर एनी वे वी कैन से दैट और साथ में के की वैल्यू इज़ मोर देन टेन टू पर थ्री राइट इसका मतलब इक्वेशन विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इसीलिए हम क्यू सी की वैल्यू को लेस देन के सी बता रहे हैं ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जो हमने ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट डेल्टा जी एट थ्री हंड्रेड कैल्विन आपको डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करना है सेंस हमने बात की है कि के की वैल्यू मोर देन वन है डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो मेरा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए करेक्ट सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी कुछ नहीं करना जस्ट लेटस सोल्व दिस वन तो अगर हम इसको स्प्लिट करें तो क्या है देखो ध्यान से ये रिएक्शन कैसी है लॉक टू देश एम एन एन की पावर एक्स यानी कि दो रिलेशनशिप दो लग रहे हैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है और एक्सपोनेंट रूल भी लग रहा है तो देखो लॉक टू देश टेन ऑफ एम प्लस लॉक टू देश टेन ऑफ एन की पावर एक्स एक्सपोनेंट रूल के अंदर हम क्या करते थे लॉक टू देश टेन एम एज इट इज प्लस एक्स बेस टेन ऑफ एन सो इस सारी को पे तो उतार लेते हैं। so, ये क्या हो जाएगा लॉक टू दू प्लस कुछ भी नहीं बचा and इसका जब आप सोल्व करेंगे तो लॉक टू दू इसकी वैल्यूज आप देखेंगे लॉक टेबल में एंड यूल टू पॉइंट थ्री जीरो इन टू एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय इनकी वैल्यूज आप देखिए क्या आएंगी कुछ वैल्यूज़ तो बच्चों में याद हो जाने चाहिए लॉक टू द बेस टेन टू की वैल्यू होती है ज़ीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो वन ज़ीरो प्लस थर्टीन और टेन का लॉग होता है ज़ीरो सो दिस इज़ वैल्यू जीरो सो येट माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाइड थर्टीन पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो राइट ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जी विद अ नेगेटिव साइन एंड द यूनिट्स विल बी क्योंकि हमने कहीं भी किलो जूल यूज़ नहीं किया है सो इट इज गोइंग टू बी जूल पर मोल आपको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाइड बाय टेन रिज टू पर माइनस थ्री किलो जूल पर मोल कर सकते हैं दी आपका आंसर हो जाएगा आई होप आपको लॉग देखना आता है क्योंकि इस क्वेश्चन में जब भी आप रिलेशनशिप को चेक करेंगे तो आपको लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए सो प्रैक्टिस लॉग फॉर दिस क्वेश्चन एंड दे इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू सॉल्व दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम यहाँ बच्चों हम कई सारे फैक्टर्स देखेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आते हैं इन फैक्टर्स को पढ़ने का फ़ायदा क्या है इन फैक्टर्स को पढ़ने का फ़ायदा क्या है वो है सबसे पहला टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए हमें किन किन कंडीशंस में कंडीशन लानी पड़ेगी तो मैक्सिमाइज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एट माइल्ड टेम्परेचर क्योंकि ना तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़े तो मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा तो नॉर्मल प्रेशर हो एंड टेम्परेचर हो ऐसी कंडीशंस के अंदर प्रोडक्ट की कंडीशंस या प्रोडक्ट को की अमाउंट को बढ़ाने के लिए मुझे किन किन फैक्टर्स पर ध्यान रखना है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे सो so, to make a qualitative prediction about the effect of a change in conditions to we to predict such kind of conditions we use प्रिंसिपल कॉल्ड एज ली चैक्लियर्स प्रिंसिपल अब ये ली चैक्लियर्स प्रिंसिपल क्या है ली चैक्लियर्स प्रिंसिपल में हम देखेंगे चेंज इन एनी फैक्टर चेंज इन एनी फैक्टर दैट डिटरमिन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन्स ऑफ अ सिस्टम विल कॉज सिस्टम टू चेंज कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे होता है और हम इसके अंदर कुछ चेंजेस कुछ फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो सिस्टम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है सच दैट और इन सच अ मैनर सो एज टू रिड्यूस और नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज आप सोचो कि आप इक्वली ब्रिम पे बैठे हो ठीक है यू आर इन अ मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन एट द मोमेंट अचानक आपके पास टेम्परेचर मैं बढ़ा दूँ तो वॉट विल हैपन यू विल चेंज योर पोजिशन इन सच अ वे कि वो जो गर्मी या टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है उसका इफेक्ट खत्म हो जाए आप वापस एक नॉर्मल कंडीशन में आ सको अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है मान लो आप सो रहे हो ठीक है और यू आर इन अ मोस्ट कंफर्टेबल पोस्चर अचानक आपके ऊपर एक रजाई गिरा दी जाती है विच इज़ वेरी हैवी प्रेशर बढ़ गया नाउ व्हाट यू विल डू

हम बात करेंगे यहां पर कई सारे फैक्टर्स की नंबर वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे हाउ दे आर गोइंग टू इफेक्ट प्रेशर कंडीशन में कैसा काम करता है वी विल बी टॉकिंग अबाउट इनर्ट गैस इफेक्ट देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स and number 5 we will be talking about catalyst addition ye char panch factor bahut important factors hain for any reaction one one hum inko sequence wise dekhte hain ek ek karke one by one सबसे पहले हम देखते हैं concentration का effect concentration of reactant and product करेक्ट चलिए एक इक्वेशन लेते हैं हम अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में लाते हैं क्योंकि एग्जाम्पल लेने से हमें रिएक्शन ज़्यादा समझ में आती है करेक्ट दिस इज गोइंग टू गिव अस रिवर्सेबली हाइड्रोजन आयोडाइड गैस लुक एट इट अगर मैं चाहती हूँ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहे सो मुझे क्या करना है या तो इसको निकालती रहूँ ये बना निकाल लिया जैसे हम जूसर निकालते हैं जूसर में से हम जूस जब निकालते हैं अगर जग पूरा भर गया तो वॉट विल हैपन पुष्पिल होने लगेगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन लेकिन अगर उस जूसर में से मैंने एक वेंट निकाल दिया लाइक like उसमें से थोड़ा जितना जूस आता है वो निकलता भी चला जाए तो वो जूसर जार के अंदर एक इक्वलीब्री मेंटेन हो जाएगा कि इतना तो उसमें स्टेबल रहने वाला है अगर मैं उसको निकालती रहूँ तो मेरे जूस और बनता चला जाएगा है ना सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इफ आई रिमूव प्रोडक्ट यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट या फिर एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स आप रिएक्टेंट को ज्यादा डाल दो ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको निकालते रहो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो इक्वल मेंटेन करने के लिए बार बार बनाता चला जाएगा सो इट मीन्स अगर हम प्रोडक्ट निकालते रहें रिएक्टेंट्स को डालते रहें तो आपकी जो रिएक्शन है दैट विल कीप ऑन मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट हेल्प इन दर्ड डायरेक्शन ऐसा क्यों होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा बच्चों सिंपल सी चीज है ये रिएक्शन एक इक्वलिब्रिम पे थी मैंने इसमें एडिशन कर दी रिएक्टेंट की व्हाट विल है इसके अंदर डाल रहे हैं इसको नलीफाई करने के लिए इफेक्ट को कि हमने रिएक्टेंट डाला है व्हाट विल हैपन इक्वलिब्रिम विल शिफ्ट टूवर्ड्स प्रोडक्ट अगर मैं प्रोडक्ट को निकालती रहूं तो ये कम हो जाएगा वो फिर उसको बराबर करने की कोशिश करता रहेगा कि बराबर बैलेंस आ जाए एज अ रिजल्ट वॉट विल हैपन इट विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वाई सो सो दैट अ न्यू इक्विलिब्रियम या यू कह सकते हो टू फॉर्म अ न्यू इक्विलिब्रियम मोर देन

रीजन वही रहेगा टू फॉर्म अ न्यू इक्विलिब्रियम मोर देन द प्रीवियस यानी कि जितना भी जैसा भी इक्विलिब्रियम पीछे था वैसा ही इक्विलिब्रियम या न्यू कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप यहाँ यूँ कर सकते हो टू फॉर्म अ न्यू इक्विलिब्रियम मोर देन प्रीवियस की जगह लिख सकते हो आप यहाँ पे हाउ यू कैन से दैट टू फॉर्म अ न्यू इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम विद न्यू कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं मोर देन प्रीवियस की जगह आप लिख सकते हो न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ठीक है तो जो इक्विलिब्रियम पहले था वो शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम अगेन एक नया कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा और इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेंगे जैसे एक रिएक्शन लिखो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड है रिवर्सेबली इट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अगर ओपन सिस्टम हुआ तो वट विल हैपन इट विल कीप ऑन मूविंग आउट तो रिएक्शन विल ऑलवेज कीप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो इफ आई दैट इज वाई ओपन सिस्टम में अगर गैशियस प्रोडक्ट आएंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं अचीव कर सकते आप वो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी सो इफ रिमूव्ड, रिएक्शन विल अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अच्छा बच्चों तो एक और चीज का ध्यान रखना जरूरी नहीं होता कि फॉरवर्ड डायरेक्शन यही है फॉरवर्ड कोई भी हो सकती है रिवर्स डायरेक्शन को हम बैकवर्ड कह देते हैं ठीक है Depending upon what kc is given to us. So this is what is the react effect of concentration on the equilibrium. Next factor dekhte hain hum log pressure. Effect of pressure. बच्चों क्या होता है pressure के लिए आपको एक term याद रखनी है, एक relationship याद रखना। जब भी pressure बढ़ेगा, ठीक है?

शिफ्ट टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ लेस नंबर ऑफ मोल्स और इसका इफेक्ट आपका गैशियस कंडीशन में ही मिलेगा क्योंकि प्रेशर सिर्फ आपको गैशियस रिएक्शन देती है सो लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट राइट सिमिलरली इफ प्रेशर डिक्रीजेस रिएक्शन शिफ्ट टू वर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ मोल्स ठीक है जी प्रेशर का जो भी रिलेशनशिप होगा इन्वर्स होगा मोल से प्रेशर बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए उस साइड पे रिएक्शन मूव कर जाएगी प्रेशर कम होता है तो उस तरफ रिएक्शन मूव करेगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे राइट एंड इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैशियस प्रोडक्ट की बात हो रही है देन प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट फिर प्रेशर का बढ़ाओ कम करो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर हैं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर यहाँ उलझाता है आपको ठीक है नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं जल्दी से नोट कीजिए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास एक है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया ना लोकेटेड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं थ्री प्लस वन दैट इज फोर और यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं टू सो so इसका मतलब प्रोडक्ट इस पर प्रेशर का इफेक्ट हमें मिलेगा ऑल आर गैशियस ध्यान रहे प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैशियस रिएक्शन में होगा न इफ प्रेशर इंक्रीज़ेस। सो बताइए जरा रिएक्शन किस तरफ मूव करनी चाहिए हमने कहा था रिलेशनशिप क्या है प्रेशर का रिलेशनशिप है इन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का मोर दी प्रेशर रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन इन दी लेसर नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर बढ़ा है तो देखो रिएक्टेंट के मोल हैं चार प्रेशर के हैं वो टू सो द रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स प्रोडक्ट करेक्ट एंड इफ प्रेशर डिक्रीजेस रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स रिएक्टेंट, बोलो ठीक सिमिलरली चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं हमारे पास है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद आयोडीन गैस रिवर्सिबली गिव्स गेजर्स टू एच आई गैस पॉज करके बताइए क्या इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा कर लिया पॉज ट्राई किया बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि देखो वन मोल वन मोल टोटल टू मोल्स प्रोडक्ट के अंदर टू मोल्स सिंस एन आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेशर सो प्रोडक्ट सो प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ठीक है ऑन दिस रिएक्शन गैशियस है बावजूद उसके प्रेशर के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम यू गेट दैट पॉइंट चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं कार्बन मोनॉक्साइड गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस रिवर्सिबली गिव्स अस मीथेन ऑब्वियसली इट इज गैस प्लस वाटर इन गैशियस फॉर्म क्या इसमें प्रेशर का फर्क पड़ेगा देखें तो एन आर कितना है वन एन थ्री फोर एन पी कितना है प्रोडक्ट कितने हैं टू एक मोल इसका एक मोल इसका टोटल टू टो मोल्स सो so, इसका मतलब इस पर फर्क पड़ेगा सो इफ प्रेशर इनक्रीजेस हम प्रेशर रिएक्शन में बढ़ाएं तो व्हाट विल हैपन रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स मीथेन सी एच फोर की कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा इफ प्रेशर डिक्रीजेज रिएक्शन मूव्स टूवर्ड्स कार्बन मोनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन इनकी कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा करेक्ट बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स वहाँ कम होंगे प्रेशर डिक्रीज किया नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उधर मूव किया प्रेशर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स जहां कम है उस तरफ रिएक्शन मूव कर गई सिमिलरली एक रिएक्शन और देखिए यू हैव कार्बन सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिवर्सिबली गिव्स अस टू कार्बन मोनऑक्साइड गैस ना व्हाट विल हैपन इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं देखने हैं मुझे सिर्फ गैशियस के देखने हैं सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज टू वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज वन so pressure will have any effect on reaction correct next we will talk about effect of inert gas addition देखो ये inert gas addition के अंदर क्या हो रहा है कि हम दो conditions देखेंगे पहला हम देखेंगे constant volume को और दूसरा हम देखेंगे constant pressure को राइट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम बट अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो डेफिनेटली इज गोइंग टू अफेक्ट अस्ट वॉल्यूम अफेक्ट द रिएक्शन क्यों क्योंकि अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर हमने इनर्ट गैस को डाला है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा क्योंकि वो गैस जो है वो अपना इफेक्ट uh, दिखाएगी एंड इट विल इंक्रीज दी वॉल्यूम सो वॉट विल हैपन इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेज तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड किस पे करती है मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीजेज तो नंबर ऑफ मोल्स उतने के उतने ही है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करेगा सो लेट एस टेक एन एग्जाम्पल वी हैव पी सी एल फाइव एंड द रिवर्सबल रिएक्शन गिव्स अस पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू करेक्ट नाउ इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज इफ वॉल्यूम इंक्रीज़ेस, देन मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी डिक्रीजेस रिएक्शन इज इन इक्वल एब्रियम एट द मोमेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी इसका मतलब के सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी पी सी एल थ्री सी एल टू अपॉन पी सी एल फाइव ये है फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसकी पहले कम होगी प्रोडक्ट की अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है देन केसी के वैल्यू विल बी लेस देन वन इट मीन्स रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन एक और तरीका है जिससे हम आराम से इसको निकाल सकते हैं वो क्या तरीका है ठीक है यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि प्रेशर भी बढ़ रहा है करेक्ट क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था आपने इनर्ट गैस को डाल दिया उसके अंदर नाउ वॉट इज गोइंग टू हैपन वॉल्यूम इंक्रीज क्यों कर रहा है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहा था है ना कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कॉन्स्टेंट प्रेशर था लेकिन आपने वॉल्यूम इनर्ट गैस को डाला ऑल वो रिएक्ट नहीं करेगी इक्वेशन के अंदर लेकिन अपना प्रेशर तो इफेक्ट दिखाएगी उस प्रेशर की वजह से वॉल्यूम विल एक्सपैंड सिस्टम विल एक्सपैंड अगर सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है तो हमें याद होना चाहिए इफ प्रेशर इंक्रीजेस

PCl5 बात समझ में आ गई प्रेशर बढ़ा है कंसंट्रेशन कम हुई है ठीक है कंसंट्रेशन कम होने की वजह से मोलर कंसंट्रेशन कम हुआ है वॉल्यूम बढ़ा है इसलिए मोलर कंसंट्रेशन कम होगी लेकिन प्रेशर भी बढ़ा है अब प्रेशर का इफेक्ट गैशियस प्रोडक्ट में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द concentration, सो so, प्रेशर बढ़ने की वजह से रिएक्शन विल बी बैकवर्ड So, अब बहुत आसानी से हम लोग रिफेक्ट ऑफ इनर्ट कैस देख सकते हैं इफ द क्वेश्चन इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द रिएक्शन इज अकरिंग एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर सो यहां से रिएक्शन जो है वो मूव तो आप जरा नोट कर लें फिर हम आगे चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं नंबर फोर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं थर्ड कम्स कॉन्सेंट्रेशन जिसपे कुछ क्वेश्चन आते हैं अब हमें पता है कोई भी रिएक्शन टेम्परेचर के बेस पे देखें तो या तो एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी और हमें देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर एंडोथर्मिक आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर ये हम पहले ही थर्मोडाइनेमिक्स में देख चुके हैं सो so, एक्सोथर्मिक आर फेवर्ड एट

हमने इसका इफेक्ट देखा था प्रेशर के ऊपर हमने कहा था इसके नंबर ऑफ़ मोल्स देख लो रिएक्टेंट के फ़ोर हैं इसके नंबर ऑफ़ मोल्स देख लो प्रोडक्ट के टू हैं तो हमें पता है अगर प्रेशर बढ़ेगा इफ प्रेशर इंक्रीजेस रिएक्शन कहाँ जाएगी राइट हैंड साइड पे एंड अगर प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे बोलो ठीक है यहाँ तक तो हमें याद था अब हम देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा ना अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें पता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बैकवर्ड हो जाएगी अगर कम होगा तो फॉरवर्ड हो जाएगी तो अगर आपको हेबर प्रोसेस याद हो तो हेबर प्रोसेस में हमने ये रिएक्शन एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की थी कारण ताकि अमोनिया ज़्यादा फॉर्म हो अब क्लियर होगी बात प्रैक्टिकली कैसे यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर आई वॉन्ट मोर अमोनिया टू बी फॉर्म तो मेरे पास क्या है जो अमोनिया बन रहा है उसको निकालते जाओ एक्सट्रैक्ट करते जाओ तो नया बनता रहेगा पहला इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दूसरा मैं प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दूँ तो रिएक्शन वॉवर्ड हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कम है NP, -NP. So एन आर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एन पी एन आर माइनस एन पी सो इट इज़ पॉजिटिव अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो भूल के भी कोई जरूरत कोई टेंशन नहीं है आप बंद करके आप बोल सकते हो कि रिएक्शन उस तरफ मूव करेगी या नंबर ऑफ मोल्स गैस प्रोडक्ट के कम होंगे ठीक अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हमने देख लिया कि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो बैकवर्ड हो जाएगी लो टेम्परेचर होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगा ठीक है जी एक एग्जाम्पल और देखते हैं वी हैव एन ओ टू एंड रिवर्सिबली दिस रिएक्शन गिव्स अस एन टू ओ फोर दिस इज कलरलेस एंड दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर ये कलर याद रखिएगा बहुत काम आएंगे सो एन ओ टू गिव एन टू फोर सबसे पहले देखना है क्या ये रिएक्शन बैलेंस वन नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन नो सो इट हैज़ टू बी टू इज दिसो गैशियस दिस इज ऑल्सो गैशियस करेक्ट तो देखिए एन ऑफ रिएक्टेंट इज टू एन ऑफ प्रोडक्ट इज वन सो एन ऑफ डेल्टा एन ऑफ दिस रिएक्शन विल बी एनआर माइनस एन पी दैट इज टू माइनस वन इक्वल टू वन सो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है सो so, एप्लीकेबल क्या हो गया कि अगर और फिर दूसरी चीज़ ये जो रिएक्शन है दिस इज एक्सोथर्मिक दिस इज एंडोथर्मिक तो हम समझ गए कि लो प्रेशर टेम्परेचर पे कौन सी फेवर होगी रिएक्शन इफ द टेम्परेचर इज लो टेम्परेचर है एंड हाई प्रेशर हो जाए तो एन टू ओ फोर विल बी फॉर्म्ड इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी ठीक एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ टू विल इनक्रीज बात समझ में आ गई इसके लिए बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी भी बताई गई बच्चों देखो आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए लेटेस्ट मार्केट एस ए इसमें आप एनओ टू गैस डालिए जो कि ब्राउन कलर की थी रेडिश ब्राउन कलर की ठीक है दूसरी टेस्ट ट्यूब आप ले लीजिए लेटेस्ट एक दिस वन जिसमें हमने एन टू ओ फोर डाला बी टाइप टेस्ट ट्यूब ले ली ठीक है बच्चों ये कैसी है कलरलेस हमने इसको रखा आइस के साथ और इसको रखा हॉट वाटर में ठीक है जी इसको हॉट वाटर में रख दिया इसको आइस में रख दिया ये लो टेम्परेचर पे, हाँ पे है यह हाई टेम्परेचर पे है नाउ हमने एक और वीकर लिया और इनमें दोनों टेस्ट ट्यूब्स यहाँ रख दी एन टू ओ फोर भी है इसके अंदर एंड एनओ टू भी है दिस इज माई टेस्ट्यूब ए दिस इज टेस्ट्यूब बी इसको मैंने एक बीकर में रखा और यहाँ पे हमने एक सिंपल वाटर लिया एट रूम टेम्परेचर जब हमने रूम टेम्परेचर पर ये गैसेज रखी तो ये ब्राउन ही रही है एन टू ओ फोर अपना कलरलेस ही रही देर वॉज नो चेंज लेकिन जैसे इस एन ओ टू को आइस टेम्परेचर पर ले आए ठीक है लो टेम्परेचर पर रखा वॉट हैपन इसका ब्राउन कलर चेंज होने लगेगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जब इसको एन टू ओ फोर को यहाँ रखो और गर्म किया तो इसका कलर ब्राउन होने लगा क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है सो रिएक्शन विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स एन ओ टू की फॉर्मेशन यहाँ पे रिएक्शन विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स एन टू ओ फोर की रिएक्शन सो दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन एंड दिस इज वॉट इज इक्विलिब्रियम अचीविंग इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू गैसेज और इसी के साथ आप ध्यान रखिए एक और रिएक्शन जब हम देख सकते हैं लाइक वी हैव a compound that is hexa amine cobalt hexa hexa aqua hexa aqua cobalt 3 plus ion in the aqueous state plus you have four chloride ion in aqueous state reversibly it gives us cobalt tetrachloro cobalt 2 plus uh, 2 negative ion aqueous condition and you will get six molecule of water in the liquid phase अब इस केस के अंदर देखिए कलर चेंजेस मिलेंगे हमें दैट इज दिस इज पिंक एट रूम टेम्परेचर दिस क्लोराइड आयन्स आर कलरलेस एंड दिस इज ब्लू इन कलर एंड द रिएक्शन दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी अगर हमने इन दोनों को मिक्स करके हीट कर दिया तो कलर ब्लू होने लगा और जब हमने इसको ठंडा कर दिया तो कलर वापस पिंक और कलरलेस में आने लगेगा यानी पिंक कलर मिलने लगेगा आपको सो दिस चेंज इन कलर कैन ईजिली बी सीन बाई द चेंज इन देशर राइट अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो पिंक कलर फेवर हो जाएगा ठीक है अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ब्लू कलर फेवर होने लगेगा सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ब्लू कलर मिल रहा है या इक्वली प्रिंट पर ब्लू कलर मिल रहा है और टेम्परेचर को कम करने पर आपको पिंक कलर मिलने लगेगा राइट right? अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों के सी की वैल्यू जो है इट चेंजेस विद टेम्परेचर ओनली अदरवाइज केसी की वैल्यू चेंज नहीं करती रिएक्शन कहीं भी मूव करे केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती बट के सी विद टेम्परेचर ठीक है एज डेल्टा एच जब नेगेटिव होगा यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी केसी की वैल्यू फॉल करेगी यानी जल्दी अचीव कर जाएगा सो केसी की वैल्यू जो है एक्सोथर्मिक uh, रिएक्शन में केसी की वैल्यू कम हो जाती है और विद टेम्परेचर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर केसी की वैल्यू कम होती है जब केसी की वैल्यू कम होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगी और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो केसी की वैल्यू इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका मतलब समझो क्या लेटस टेक अ रिएक्शन वी हैव ए प्लस बी अस सी प्लस डी लेटस से वही ठीक है हमने कहा कि इसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ठीक अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है स्पॉन्टेनियस है तो डेफिनेटली केसी की वैल्यू हैज़ टू बी मोर देन वन, राइट अब मैं यह कह रही हूं कि यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है केसी की वैल्यू गिवन है केसी मोस्टली आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही गिवन होता है सो so, अगर मेरी रिएक्शन में टेम्परेचर में इंक्रीज करूँ तो केसी के सी की वैल्यू कम होगी यानी कि के सी विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड बिकॉज एज वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर के सी की वैल्यू विल बी लेस देन वन देखो यहाँ पे और यहाँ पे के सी की वैल्यू क्या है मोर देन वन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे के सी की वैल्यू डाइन आई आ जाएगी लेकिन एंडोथर्मिक होगा अगर मान लो ये रिएक्शन अब मेरी एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन है मेरे लिए अब ये सी प्लस डी के ए प्लस बी सो के सी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी सो so, टेम्परेचर के साथ के सी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन में के सी के साथ टेम्परेचर के साथ के सी की वैल्यू कम हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इस पॉइंट को बच्चों याद रखिएगा अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और के सी की वैल्यू को अनचेंज लिखाते हैं इट चेंजेस विद टेम्परेचर पॉज करके नोट कीजिए सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड लास्ट फैक्टर इसमें बच्चों आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट अक्सर बच्चे सोचते हैं कि कैटलिस्ट डालने से केसी की के वैल्यू जो है वो कम हो जाती है नहीं केसी की के वैल्यू जल्दी अचीव हो जाती है इट मेक्स द रिएक्शन रेट फास्टर राइट इट मेक्स रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर करेक्ट होगा क्या देखो मान लो ये आपके पास रिएक्शन है एक दिस इज द एनर्जी ग्राफ ऑफ द रिएक्शन एंड दिस इज द रेट दिस इज द यू कैन से टाइम टू अचीव या रिएक्शन कोफिशेंट कह सकते हो खाली रिएक्शन लिख लेते ठीक है कोई भी रिएक्शन होने के लिए मान लेते हैं हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी यहां है दिस इज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट अब अगर प्रोडक्ट मेरे मान लीजिए यहां पर है ई प्रोडक्ट है दिस इज फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन तो क्या होगा रिएक्शन ऐसे नहीं जाती रिएक्शन हमेशा यू मूव करके फिर डाउन आती है एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी ठीक मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लेटेस्ट से दिस इज द एनर्जी ऑफ़ द रिएक्टेंट दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ठीक है एक्सोथर्मिक है तो पक्की बात है प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तो दिस इज वॉट इज द रिएक्शन और ये एनर्जी जो होगी दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों एक एक नया तरीका एक नया रास्ता बना देता है यहाँ तक आने का और ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है सो दिस इज़ वॉट ई ए डैश सिमिलरली यहां देखो ये यह भी इस रिएक्शन को छोटा कर लेता है दिस इज वॉट ई ए डैश ये ई ए डैश जो बनता है ये बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट बनता है सो so, यहां लिख सकते हो आप दैट इट रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड हो और द रिवर्स रिएक्शन हो इन दोनों ही रिएक्शन पे सेम रेट पे काम करता है विद सेम अमाउंट करेक्ट लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है वैल्यू है उसको कोई चेंज नहीं आएगा वो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है ठीक है इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट Of reactant and product are remain unaffected. This area point application for catalyst that a new low energy, a new low energy pathway. For reaction is created. Correct. जैसे हमने Haber process में देखा था nitrogen gas reacts with hydrogen gas. हमने दो conditions की थी यहाँ पे. पहला द रिएक्शन अकर्स एट हाई प्रेशर दूसरा क्योंकि ये डेल्टा एच जो है इसका नेगेटिव होता है Exothermic reaction रिएक्शन है सो द रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर लेकिन ऐट द सेम टाइम वी नीड अ कैटलिस्ट फॉर दिस सो कैटलिस्ट जो होता है वो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो हम यह कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं एफ यू टू ओ थ्री या हम सिंपल आयरन को यूज करते हैं सिमिलरली आप एक और रिएक्शन देख सकते हो हम बहुत पॉपुलर है और बहुत यूज करेंगे एस ओ टू इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है बच्चों तो ये बनाता है एसओ थ्री गैस लेकिन ये रिएक्शन होती है वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में दिस इज वॉट वेनेडियम पेंटोक्साइड ऑक्साइड वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है दिस इज वर्किंग एज कैटलिस्ट ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहां आप लोगों ने कैटलिस्ट किए होंगे अगर आपको याद हो तो क्लास टेन में भी आपने एक रिएक्शन किया होगा हाइड्रोजनेशन का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एस कैटलिस्ट निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम कोई भी हो सकता है हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स बन जाते हैं इथेन बन इथेन से आपने इथेन बना दिया है राइट right? सो so, ये भी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है बिकॉज दिस रिएक्शन इज गोइंग टू हेल्प अस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म मोर ऑफ दी प्रोडक्ट तो चलिए जरा कुछ इक्वेशंस के साथ इसे हम लोग समराइज करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ वी हैव अ रिएक्शन ए प्लस बी रिवर्सिबली गिव्स अस सी प्लस डी तो बच्चों क्यू सी कैसे लिखेंगे हम सी डी की पावर ए वन वन एंड देन बी यहाँ पर के सी की वैल्यू भी यही हो जाएगी बिकॉज स्टोक्यूमेट्रिक कॉफिशंट आर सेम करेक्ट सो इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर केसी विल रिमेन अनचेंज बाय फैक्टर्स फॉर इक्वलिब्रियम कोई भी इक्वलिब्रियम आ जाए यहां कोई चेंज नहीं आने वाला बिकॉज क्यूसी इज ऑलरेडी इक्वल टू केसी यहां पर केसी में चेंजेस नहीं आ रहे लेकिन इफ अभी तो यहां कॉन्सेंट्रेशन में इक्वलिब्रियम आ गया दिस इज वॉट इक्वलिब्रियम अब इस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के लिए अगर इफ ए इज एडेड अगर हम ए की वैल्यू को कॉन्सेंट्रेशन को ऐड कर दें तो देखिए डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्यू सी की वैल्यू कम हो जाएगी सो क्यू सी विल डिक्रीज करेक्ट एंड वी नो दैट जब क्यू सी की वैल्यू के सी से कम होती है सो रिएक्शन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देख लो हमने भी पीछे भी किया था लास्ट लेक्चर में भी हमने यही बात की थी इफ क्यू सी इज लेस देन के सी रिएक्शन विल ट्राई टू बी इक्वल टू के सी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता रहेगा राइट नाउ इफ सी इज एडेड तब क्या होगा नाउ लुक सी अगर ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर बढ़ गया न्यूमरेटर बढ़ गया तो क्यू सी की वैल्यू बढ़ गई सो so, क्यू सी विल बी मोर देन के सी बोलो येस ऑर नो ओके अब अगर क्यू सी मोर देन ए सी हो जाए के सी हो जाए सो वॉट विल हैपन रिएक्शन मूव्स फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड देख लो हमने अपनी डिजायर डायरेक्शन चेंज कर दी है रिएक्शन विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन राइट नोट कर लीजिए फिर आगे चलें नेक्स्ट देखते हैं वी हैव अगेन नाइट्रोजन हमारी फेवरेट गैस रिएक्शन विद हाइड्रोजन हमारा फेवरेट हेबर्स प्रोसेस हेबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अगर यहाँ के सी की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे एन एच थ्री का ट्वाइस डिवाइडेड बाई एन टू एंड एच टू की पावर थ्री बोलिए ठीक ना इफ closed system is compressed ध्यान रखना कंप्रेस्ड का मतलब प्रेशर बढ़ गया है प्रेशर एज इंक्रीज तभी तो सिस्टम को हम दबा रहे हैं ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं एंड वी नो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए वो प्रेशर को नलीफाई करने की कोशिश करेगा सो इफ सिस्टम इज कंप्रेस्ड प्रेशर इंक्रीजेस सच दैट वॉल्यूम डिक्रीजेस मान लो पहले प्रेशर था इनिशियल प्रेशर था मेरे पास पी फाइनल प्रेशर मेरे पास हो गया लेटर से पी बाय टू लेट ठीक है इनिशियल वॉल्यूम था वी तो बताइए फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा सॉरी उल्टा कर लें प्रेशर को हम बढ़ा रहे थे ना कंप्रेस कर रहे थे टू पी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी बाय टू वॉल्यूम कम हो गया तो मुझे बताइए मोलर कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन विल इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी लेटर्स से दैट दिस इज द इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो फाइनल मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी एन अपॉन वी डिवाइडेड बाय टू यानी मल्टीप्लाइड बाय टू सो इसका मतलब फाइनल मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी वो बढ़ गई बोलो ठीक ओके तो जरा इसी की क्यू लिख लें क्यूसी क्या लिखोगे एन एच थ्री होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय एन टू एन एच थ्रू की थ्राइस ये थी हमारी क्यूसी इनिशियल इनिशियली लेकिन अब फाइनल क्यू सी क्या बन जाएगा क्यूसी विल बी इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई है तो so, देखो ट्वाइस ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन देन ट्वाइस ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब बोलो ठीक देखिए टू का स्क्वायर फोर एनएच थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एन टू थ्री का क्यूब टू का क्यूब लो एट एट मोलर सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब तो कितना हो गया टू टू सा फोर टू फोर सा एट करेक्ट सो इसका मतलब क्यू सी की वैल्यू क्या हो गई एन एच थ्री का स्क्वायर अपॉन एन टू एच टू का क्यूब एंड वन बाय फोर देखिए इसका मतलब जब प्रेशर को बढ़ा दिया इफ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी हो गई इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए फॉरवर्ड सो प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड बोलो ठीक अब क्लियर होगी बात कि क्यों प्रेशर बढ़ाने से बढ़ रहा है एक देखो को कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट कर लिया दूसरा सेकेंडली हम लोग किससे किस से रिलेट कर रहे हैं डेल्टा एन के साथ भी कर सकते हो एन आर माइनस एन पी एन आर में कितना है फोर बिकॉज वी नो दैट अमोनिया के पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो रिएक्ट कर रही हैं तीन मोल हाइड्रोजन के एक मोल ऑफ नाइट्रोजन का सो एन पी एन आर इज फोर माइनस टू सो डेल्टा एन इज पॉजिटिव टू वी नो वेन डेल्टा एन इज पॉजिटिव टू होता है सो के सी की वैल्यू इज लेस देन क्यू सी की वैल्यू इज सॉरी के सी की वैल्यू विल भी मोर देन क्यू सी सो लेफ्ट रिएक्शन कहाँ जाएगी टूवर्ड्स राइट हैंड साइड राइट और हमें ये देखा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर कहाँ है मोस्टली गैसियस प्रोडक्ट पे ही होता है और प्रेशर जब भी बढ़ेगा रिएक्शन का वॉल्यूम कम हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी ठीक है मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए मेरे ठीक है सो so यहाँ हम लोग लेते हैं विराम ली चैटलियस प्रिंसिपल को और ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से लेक्चर को देखिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व दी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ ली चैट्लियस प्रिंसिपल इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर जिसपे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा सो so, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए टेक केयर एंड गुड बाय